हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस तरह की पेपर उड़ने वाला वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, ये वाला वीडियो इंस्टाग्राम रील्स में बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। क्या बोला तूने? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका शूटिंग कैसे करना, फिर इसका एडिटिंग कैसे करना है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन में आना है। इसके बाद आपको प्लस का आइकन में क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपके वीडियो के साइज के हिसाब से एस्पेक्ट रेशो को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके सामने मीडिया का ऑप्शन आएगा। आपको मीडिया पे जाके उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपने रिकॉर्ड किया हुआ है। ये वाला वीडियो आने के बाद सबसे पहले आपको इसका वॉल्यूम कम कर देना है, ठीक है। आपको दो तरह का वीडियो रिकॉर्ड करना है। एक आपको ऐसे पहले चल के जाना है, ठीक है, और आपको ये पेपर को छोड़ देना है, ठीक है। फिर दूसरा रिकॉर्ड करना है, वो आप दूसरा भी क्लिप ले सकते हैं, मैंने इसमें ही क्लिप किया हुआ है। इसमें आपको सिर्फ ऐसे चल के जाना है सामने से, बस बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। अभी मैं आपको करके बताता हूँ। आपको पहले स्टार्टिंग का पार्ट, जो काम का पार्ट नहीं है, ठीक है, उसको हटा देना है। यहाँ से मैं इसको ट्रिम पर जाके इसे ट्रिम टू लैपटॉप प्लेट कर देता हूँ। फिर यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपका ये आपने जो कागज़ लिया हुआ है, पेपर लिया हुआ है, उसको कब हाथ से छोड़ा है, ठीक है। देखिए, अभी छोड़ा है, तो उससे जस्ट पहले यहाँ पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ट्रिम पर जाइए, स्प्लिट हेड प्लेट कर दीजिए, ठीक है। इतना होने के बाद आप इसको वापस से यहाँ पे, जब आप वहाँ तक गए थे उसी रास्ते में करीब, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर आपको ट्रिम पर जाइए और इसको ट्रिम टू लैपटॉप प्लेट कर दीजिए। आप चाहे तो दूसरा क्लिप भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है इसको स्पीड में जाइए, इसको 0.5 स्लो मोशन में कर दीजिए, ठीक है, ओके कीजिए। फिर इस वाले पार्ट को भी ऐसे कीजिए, स्पीड में जाइए और इसको भी स्लो मोशन में कर दीजिए, ठीक है। इतना होने के बाद अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है, फिर वहाँ से आपको पेपर उड़ने वाला ग्रीन स्क्रीन लेकर के आना है। उसका लिंक मैं आपको आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, पेपर वाला क्लिप आने के बाद आपको क्या करना है, पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, फिर यहाँ पर थोड़ा हाथ के पास इसे ले जाइए इस पेपर, ठीक है। इसका क्रोमा की कर दीजिए सबसे पहले तो, ठीक है, इनेबल कीजिए। देखिए, इसका क्रोमा की कर दीजिए, थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपको इस पेपर को थोड़ा और बड़ा करना और एडजस्ट करना पड़ेगा, आपके हाथ के सामने यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। अभी ये उड़ना स्टार्ट किया, आपको उसके हिसाब से ये देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो आप इसको थोड़ा जूम भी कर सकते हैं, ठीक है, इससे आपको अच्छा रहेगा। देखिए, ये अभी आपके हाथ के पास है। यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, इसको चाबी दे देना, ठीक है, ये की पे क्लिक कीजिए, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे जाइए, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर देना है, ठीक है, और जूम कर दीजिए, थोड़ा इधर पे रखिए, जूम कीजिए, ठीक है, प्लस कर दीजिए। उसके बाद आगे जाइए, वापस से जूम करके प्लस कर दीजिए, आगे जाइए, थोड़ा उड़ने दीजिए, फिर प्लस कर दीजिए इधर पे, ठीक है। फिर थोड़ा आगे जाइए, देखिए, ठीक है, यहाँ पे इसको वापस प्लस कीजिए, ऐसे ऐसे पूरा आपको कर देना है, ठीक है, जितना आपसे हो सके उतना कर देना है। इसको थोड़ा इधर खिसका दीजिए, प्लस कर दीजिए, देखिए ये जब इधर पर गया है तब इसको इधर पे थोड़ा खिसका दीजिए, ठीक है। फिर वापस आगे जाइए, जितना आपके सामने आ रहा उतना आप उसको पेपर को थोड़ा और बड़ा कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि आपका ये वाला पेपर देखिए आगे में कब आया आपके पास, ठीक है, ये आपके पास आके चिपक गया, ठीक है। ये जब आपके पास आके चिपकता है, आपको क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ के ऊपर ले जाना है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे इसको ओके कर दीजिए, आपका इतना तो हो गया है, ठीक है। फिर इतना होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लेयर पर जाना है, यहाँ पर टेक्स्ट पर जाना है, फिर यहाँ पर आपको लिखना है लीव यू, ठीक है, कैपिटल में पूरा लिखना है आपको। ये होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये व्हाइट कलर का जो आपको कलर दिख रहा है, यहाँ पर ब्लैक कलर का चॉइस कर लेना, ठीक है, ओके कर दीजिए। ये होने के बाद आप इसको जूम कर दीजिए थोड़ा, ठीक है,
इसके बाद आपको क्या करना है, वापस से इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको इसका ये डांसिंग स्क्रिप्ट बोल्ड इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये होने के बाद आपको इसको इन एनिमेशन में जाना है, फिर यहाँ पे नीचे में जाइए, ठीक है। यहाँ पर आपको वाइप राइट, ठीक है, इसको ओके कर दीजिए, ठीक है। आपका आधा तो बन के रेडी हो चुका है, देखिए, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर आपको सबसे आगे में जाना है, ठीक है। सबसे आगे में जाइए, फिर यहाँ पर लेयर पर जाइए, फिर मीडिया पर जाइए, फिर वहाँ से आपको शेडो वाला इमेज लेकर के आना है। उस इमेज का लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए शेडो वाला इमेज आने के बाद आपको क्या करना है, इसको फुल स्क्रीन में कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये वीडियो क्लिप के हिसाब से इसे थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है। जितना आपका वीडियो क्लिप रहेगा उतना आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। देखिए आपका वीडियो क्लिप यहाँ तक रहेगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, ये सभी को ट्रिम कर देना, ठीक है। सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड कर दीजिए, ऊपर वाला भी सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड कर दीजिए, ठीक है। अभी आपका पूरा वीडियो बन जाने के बाद आप यहाँ पे सॉन्ग भी लगा सकते हैं, मैं एक बार सॉन्ग लगा देता हूँ, उसका लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। सॉन्ग लगाने के लिए आपको क्या करना है, लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है, फिर आपको उस सॉन्ग को लेकर के आ जाना है, उसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। देखिए आपका ये वाला सॉन्ग आ चुका है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑडियो में जाना है, ठीक है। आपका ऑडियो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, निकल गया है। फिर आपको इस वाले पार्ट को सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर देना, ठीक है। अभी आपका इसमें कुछ काम नहीं है, ठीक है। अभी आपका ये वीडियो बन गया है, अभी आपको मैं एक बार प्ले करके दिखाता हूँ इसको। पहले मैं इसका वॉल्यूम कम कर देता हूँ, ठीक है। अभी प्ले करके दिखाता हूँ, देखिए बन गया है, ठीक है। अभी आपको पूरा वीडियो बन जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव वाले बटन पे जाना है, फिर आपको अपने वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से इसको एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है।